हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप का यूज़ करते हुए हम बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस इमेज को अपने ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए इस वाले आइकन पर क्लिक करके हार्ड इरेजर को सिलेक्ट कर लेना होगा। अब हमें इसकी सेटिंग पर क्लिक करके इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। अब ओके, अब हमें यहाँ से इसे बंद कर देना है। अब हमें इसे यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब हम इस डॉट पर क्लिक करके लेफ्ट या राइट स्क्रॉल करने पर इस ब्रश का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपने ब्रश का साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। अब हमें इसे थोड़ा थोड़ा इरेज कर देना है। अब हमें इसे धीरे धीरे से इरेज कर लेना है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपको इसे पूरी तरह से इरेज कर देना है। अब हमारा यहाँ से पूरी तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हमें बैकग्राउंड अपना PNG फॉर्मेट में नहीं दिख रहा। इसके लिए हमें इस लेयर पर क्लिक करके बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर देना है। अब हमारा बैकग्राउंड PNG फॉर्मेट में दिखेगा। अब हमें अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो इसके लिए हम इस वाले टूल पर क्लिक करके इम्पोर्ट इमेज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से हम किसी भी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको इस बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो बैकग्राउंड अच्छी तरह से एडजस्ट होने के बाद आपको इस डन वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब हमें लेयर्स पर क्लिक करके इसके लेयर्स को प्रेस एंड होल्ड करके नीचे सरका लेना है। अब हमें इमेज के लेयर पर क्लिक करके इस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से ट्रांसफॉर्म इमेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ से अपनी इमेज को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो डन। अब हमें डन के आइकन पर क्लिक करके बैक आना है। तो अब हम मॉडल के पैर के नीचे एक शैडो क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस वाले ब्रश को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें इस वाले आइकन पर क्लिक करके इसके कलर को हमें ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो हमें इसे इस टाइप से ड्रॉ कर लेना है। अब मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके गाइज। तो गाइज, हमें फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करके इम्पोर्ट इमेज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से हम एक सनलाइट PNG को ऐड करेंगे। तो इस PNG का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, तो आप यहाँ से इस PNG को डाउनलोड कर सकते हो। तो हम इस PNG को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें इस PNG को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। अब हमें डन पर क्लिक करके यहाँ से लेयर्स पर क्लिक करके इसकी ब्लेंडिंग मोड को जो है हमें वो स्क्रीन पर सिलेक्ट कर लेना है। अब हमें बैक आना है। अब हमें इस वाले टूल पर क्लिक करके यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके इस सनलाइट को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। तो गाइज, हमारा फोटो रेडी हो चुका है। अब इस सेव के आइकॉन पर क्लिक कर करके गैलरी पर क्लिक करके सेव टू स्केच इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को गैलरी में सेव कर। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।